तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपका आयुष्मान कार्ड का केवाईसी कर चुके हैं और आप अपना आयुष्मान कार्ड को जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपना आयुष्मान कार्ड को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, डायरेक्टली जो है आपको आयुष्मान कार्ड वाले वेबसाइट पे जो है आपको आ जाना है। तो चलिए मैं जो है आयुष्मान कार्ड वाले वेबसाइट पे जो है आ जाता हूँ। ओके, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। तो आपको बेनिफिशियरी पे क्लिक कर देना है। बेनिफिशियरी पे क्लिक करके आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपका जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया पे जो है ओटीपी जाएगा, तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पे जो है फिल कर देना है। फिल करते ही यहाँ पे नीचे आपको कैप्चा दिख रहा होगा, तो सिंपली जो है आपको कैप्चा यहाँ पे फिर से फिल कर देना है। तो चलिए मेरा जो है ओटीपी आ चुका है, तो मैं अपना ओटीपी को यहाँ पे जो है फिल कर देता हूँ। ओके ओके टू, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कीजिए BNG773। ओके, उसके बाद लॉगिन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही जो है आपको यहाँ पे PMJ दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्टेट चूज करना है, उसके बाद PMJ यहाँ पे स्कीम रहने दीजिए। उसके बाद जो है अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, कौन सा आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ओके, उस किशनगंज। उसके बाद यहाँ पे जो है सर्च बाय जो है आप आधार कार्ड चूज कर लीजिएगा, अपना आधार कार्ड यहाँ पे जो है दे दीजिएगा। तो चलिए मैं अपना जो है आधार कार्ड यहाँ पे जो है फिल कर देता हूँ। ओके, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर दीजिए। सर्च पे क्लिक करते आपका जितना भी आपका मेंबर अपना राशन कार्ड में नाम है सबका नाम आ जाएगा, और जिसका जिसका KYC वेरीफाइड हो चुका है और अप्रूव स्टेटस दिख रहा है उसी का ही डाउनलोड आप कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार वेरीफाई दिख रहा होगा, तो सिंपली अपना आधार वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ ऑथेंटिकेशन का मोड जो है OTP से भी हो जाएगा, और जो है आपका अगर मंत्रा है या बायोमेट्रिक कोई डिवाइस है तो वहाँ से भी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं जो है यहाँ पर जो वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है आई एग्री करता हूँ, उसके बाद अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ मोड देख लीजिए, आधार OTP, फिंगरप्रिंट और आईरिस। तो यहाँ पे जो है आपको जो है आधार OTP कर लेना है, अगर आपके पास बायोमेट्रिक नहीं है तो यहाँ पे आधार OTP कीजिए। जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है आधार से लिंक, उस पर OTP जाएगा, और आपने यहाँ जो भी मोबाइल नंबर से लॉग इन किया उस पर OTP जाएगा। तो दो OTP यहाँ पे लगने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार वाला पूछा जा रहा है OTP, तो आधार वाला दे देते हैं पहले। उसके बाद मोबाइल पे जो OTP गया है यहाँ पे, तो मोबाइल वाला भी यहाँ पे जो है दे देते हैं। ओके ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे जो है आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं जिसका जिसका KYC सक्सेसफुली हो चुका है उसका जो है आप यहाँ पे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा जो है डाउनलोड जो है सक्सेसफुली हो चुका है। इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है आपको या कन्फ्यूजन है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मेरा इंस्टाग्राम ID पर मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।